आज हम बनाने जा रहे हैं सूखे मसालों के साथ में सूखी बैंगन की सब्जी, और इसके अंदर किसी भी तरह का पानी हम ऐड नहीं करेंगे, किसी तरह का जूस ऐड नहीं करेंगे, मतलब कि टमाटर भी ऐड नहीं करेंगे। फिर भी ये बहुत ही गजब की बनने वाली है। अगर जिसको बैंगन की सब्जी पसंद नहीं है, एक बार ज़रूर खा के देखें, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे लिए हमने 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च। अदरक को कर लेंगे फाइन चॉप। अगर आप फाइन चॉप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। जितनी फाइन जूलियन निकलेगी उतना फाइन अदरक हमारा होगा। यहाँ पे हरी मिर्च को भी हम यहाँ पे चॉप कर लेंगे फाइन चॉप। अदरक और हरी मिर्च दोनों का एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इसमें आना चाहिए। इस सब्जी में खास बात है इस मसाले की, और इसको कहते हैं पीली सरसों। ये डालना है हमको 1 चम्मच, वो भी एक छोटा चम्मच, ज़्यादा नहीं। अगर इसको ज़्यादा डालेंगे तो कड़वापन आ जाएगा। इसको दरदरा सा पीस लेते हैं, बहुत गजब का फ्लेवर आता है इसमें। अगर आपके पास में ये नहीं है तो जो नॉर्मल राई होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिए हमने मीडियम साइज़ के जो बैंगन हैं वो लिए इस्तेमाल किए हैं, लगभग 1/2 किलो। जो उसकी डंठल होती है वो बिल्कुल हरी और ताज़ी दिखनी चाहिए, इसी का मतलब होता है कि बैंगन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है और ताज़ा है। जो बड़े वाले बैंगन आते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है, जो हम भरते के लिए इस्तेमाल करते हैं। डंठल के साथ में इसको काट रहे हैं, जैसे जैसे कटते जा रहे हैं वैसे वैसे इसको पानी में ऐड करना है हमको, वरना कालापन आने लग जाता है। यहाँ पे लिए हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू, इनको भी उसी तरह से काटेंगे जिस तरह से हमने बैंगन काटे हैं, मतलब कि वेजेज़ में। पहले 1/4 कर लिया, उसके बाद में ये देखिए इस तरह से वेजेज़ में काटेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, बैंगन जल्दी पकता है, आलू थोड़ा टाइम लगाता है। यहाँ पे हमने एक लिए कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल रहे हैं सरसों का तेल। जो अचारी फ्लेवर हम बना रहे हैं उसके लिए सरसों का तेल सबसे बेस्ट रहता है, कच्ची घानी का। अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं। 3 बड़े चम्मच में सरसों का तेल ले रहा हूँ। हमने यहाँ पे कास्ट आयरन की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, और इसका जो तेल है इसको फैला लीजिए इस तरह से हल्का सा। कास्ट आयरन की जो कढ़ाइयाँ होती हैं, जो बर्तन होते हैं, काफ़ी टाइम लेते हैं गर्म होने में, लेकिन काफ़ी देर तक गर्म भी रहते हैं क्योंकि काफ़ी भारी होते हैं ये। अगर आपको भी इस तरह की कढ़ाई ख़रीदनी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सरसों के तेल को मैंने गर्म करने के बाद में थोड़ा ठंडा भी किया है, क्योंकि गर्म तेल में तड़का डालेंगे सारा जल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे सौंफ डाल रहे हैं। सौंफ है 1 छोटी चम्मच और पतली वाली। ये देखिए टेम्परेचर चेक कीजिए, बिल्कुल ठंडा है। कलौंजी हमेशा कम डाली जाती है वरना कड़वापन आ जाता है। ये हम डाल रहे हैं 1/4 छोटी चम्मच, बस 2-3 चुटकी। 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। इसको हल्का सा पॉपअप होने दीजिए, उसके बाद में बाकी चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पे लगभग 1 मिनट हो गया है, और 1 मिनट के अंदर आपको एक हल्की सी खुशबू आ रही होगी। जैसे आपको खुशबू आने लग जाए तो 1 बड़ा चम्मच हमने साबुत धनिया, जिसको हल्का सा क्रश किया हुआ है, वो भी ऐड कर देंगे। ये गई हींग 1/2 छोटी चम्मच। हींग डालने के तुरंत बाद में हरी मिर्च और अदरक। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, और लो फ्लेम पे ही इसको भूनना है। जब धीमी आंच पे इन सभी मसालों को अदरक और हरी मिर्च के साथ भुना जाता है और फ्राई किया जाता है तो खुशबू नहीं निकलती, जादू निकलता है, जादू। एक गजब की खुशबू आप महसूस करेंगे यहाँ पे आप, लेकिन बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे। कम से कम हो गया है यहाँ पे 3 से 4 मिनट, और गैस की फ्लेम अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि ये कास्ट आयरन है, काफ़ी देर तक गर्म रहता है, तो आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं गैस की फ्लेम को। और इसको मैंने इस तरह से, ये देखिए, ऐसे नहीं किया सोते, ऊपर नीचे नहीं किया, इसको क्या किया, जितना हमने ऑयल डाला था बस उसी में इसको फ्राई होने दिया। तो चलिए, बहुत अच्छी खुशबू आ गई है यहाँ पे। सबसे पहले आलू डालेंगे यहाँ पे। आलू का सारा पानी हमने यहाँ पे निकाल लिया है, एक बार मिक्स कर लेते हैं इसको। आलू को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आलू मैंने पहले डाला है यहाँ पे। ये गया थोड़ा सा नमक, अब इसको भून लेते हैं अच्छी तरह से। आप चाहें तो इसको कवर भी कर सकते हैं। आलू जब आधे पक जाएं उसके बाद हम बैंगन डालेंगे, तब तक इसको कवर भी कर लेते हैं यहाँ पे। लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। जो पानी उड़ता है ना भाप के साथ में, वापस से इसी में जाना चाहिए, काफ़ी फ्लेवर होता है इसके अंदर। आलूओं में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। आलू हाँ लगभग 50% के आसपास पक चुका है ये। तो चलिए बैंगन यहीं पर ऐड करेंगे। बैंगन का सारा पानी मैंने हटा दिया यहाँ से। अभी गैस की फ्लेम को फुल कर दीजिए, पहले सौते करेंगे उसके बाद में इसको कवर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ऑयल की सारी लेयर बैंगन पे भी चढ़नी चाहिए अच्छी तरह से। लगभग 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से सौते किया मैंने फुल फ्लेम पे, और हल्की सी बैंगन नीचे की तरफ बैठ भी गई है। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है, हल्का सा नमक और ऐड करेंगे। पहले मैंने नमक कम डाला था क्योंकि आलू सारा नमक पी लेगा, इसलिए कम डाला था। मसालों में 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। धनिया पाउडर हम बाद में डालेंगे, पहले इसको पकने देते हैं, क्योंकि सूखा मसाला है
तो धनिया कई बार क्या होता है जलने लग जाता है, इसलिए बाद में ऐड करेंगे। हाँ, टमाटर प्याज होता तो हम डाल देते पहले ही। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम करके इसको ढक कर पकाएंगे, कम से कम 5 से 6 मिनट। ज़्यादा स्टर करने की ज़रूरत नहीं है, वरना बैंगन टूटने लग जाता है। लगभग 5 मिनट इसको हो चुके हैं पकते हुए, देखते हैं कहाँ तक स्थिति पहुँची है। पानी का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि आलू और बैंगन में काफ़ी पानी होता है। बीच बीच में स्टर करते रहे इसको, जिससे नीचे की तरफ जले नहीं। देखिए बैंगन पक चुके हैं लगभग 80% के आसपास, 80-90 कह सकते हैं आप। अब ज़्यादा पकाएंगे ना क्या होगा, ये मैश से होने लग जाएंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा। आलूओं को चेक कर लेते हैं पहले। आलू पक चुके हैं पूरी तरह से, और बैंगन में हल्की सी कसर लग रही है मेरे को, हल्की सी, ज़्यादा नहीं है। और ज़्यादा पकाएंगे भी नहीं इसको, फिर क्या हो, मैश हो जाएंगे, फिर मैश हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। अब बाकी चीज़ ऐड कर लेते हैं यहीं पर। जो पीली सरसों हमने पीस के रखी थी वो ऐड कर देते हैं यहीं पर। 1 छोटा चम्मच किचन किंग पाउडर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, ये काफ़ी मसालेदार होता है, मतलब इसमें मसाले चिपके हुए होने चाहिए, इसलिए हमने मसालों का ऐड किया है। अब ज़्यादा इसको स्टर करेंगे तो टूटने लग जाएगा, बस एक बार मिला दें अच्छी तरह से, उसके बाद थोड़ा सा और पकाएंगे, मुश्किल से 2 मिनट। तो चलिए इसको ढक देते हैं, और लगभग 2 मिनट हो चुकी है। गैस की फ्लेम सबसे पहले बंद करते हैं। सभी मसालों की बहुत अच्छी खुशबू यहाँ पर आने लग गई है, तो फिनिशिंग करते हैं सबसे पहले हम धनिया के साथ में। धनिया की डंठले भी हमने डाली है, लेकिन धनिया डलेगा श्रद्धा अनुसार। हल्का सा टैंगीनेस के लिए अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच बहुत रहेगा। और ये देखिए शानदार सब्जी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल सूखी है, किसी तरह का पानी हमने इसमें ऐड नहीं किया था। आलू और बैंगन बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, और एक अचारी फ्लेवर इसमें डेवलप हो चुका है। और देखिए बैंगन मैश भी नहीं हुआ है, लेकिन पक अच्छी तरह से गया है।